ओके तो अभी पहला आसन हमारा चक्र बैलेंसिंग आसन में हम सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद, और चूंकि ये सब जो हम लोगों ने आसन किए स्टैंडिंग आसनस, वो स्टैंडिंग आसनस में हमारे ये सब कर लिए हम लोग, ये आप एड ऑन कर सकते हैं। क्योंकि जितना आपका आसन के पहले बॉडी की स्टिफनेस आपकी नहीं रहनी चाहिए, हैंगओवर नहीं रहना चाहिए, और आप नाड़ी में एक बार क्लास में आपको बताया था कि नाड़ी चेक कर लीजिएगा, आपकी राइट नॉस्ट्रिल अगर चलती है तो आपको सिर्फ फिजिकल बेनिफिट मिलेगा, आपको बायोसाइकोलॉजिकल बेनिफिट चाहिए, बॉडी और माइंड दोनों को, बायोसाइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। इसीलिए आपको, क्योंकि साइकोलॉजिकल क्या है, आपकी ग्लैंड की जो हार्मोन सेक्रेशंस को हम लोग एक्टिवेट कर रहे हैं इस आसन से, जितने भी आसन आप कर रहे हैं उस आसन के पास कोई ना कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है जो एक्टिवेट होता है। इसीलिए हम लोगों को, जो हम कल बता भी रहे थे, आज हम दोबारा एम्फोसाइज करके कौन सा चक्र कौन सा ग्लैंड इससे एक्टिवेट हो रहा है, और इसकी पीपीटी भी हम शेयर कर देंगे आज। मुझे जरा याद दिला दीजिएगा कोई भी, है ना, कि मैं अगर पीपीटी शेयर करना भूल जाऊं, तो ये पूरा जो आसन का ये सीरीज है उसकी पूरी पीपीटी में आसनास के फोटोज भी दिए हुए, मुद्रा बंध के फोटो भी दिए हुए। ओके, अलग अलग चक्रास, ये जो पूरा आसन है उसकी पूरी जो श्रृंखला है उसके पहले आपकी बॉडी ये होनी चाहिए, डिटॉक्स होनी चाहिए, और नाड़ी आपकी लेफ्ट चलनी चाहिए। एक बार जब सभी लोग अपना देखिए जरा कौन सा नासिका चल रहा है, आप लोग अपना राइट थंब से राइट नोस्ट्रिल बंद कीजिए और लेफ्ट से लीजिए और छोड़िए। अब आप लेफ्ट बंद कीजिए और राइट से लीजिए छोड़िए। ठीक है, दोबारा चेक कीजिए किसमें से ज्यादा आपका हवा आ रहा है। लेफ्ट जिन लोगों का लेफ्ट से आ रहा है समझ लीजिए आप अभी आसन के लिए रेडी है, और जिन लोगों का राइट से आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बायां राइट करवट लेके ऐसे लेफ्ट को ऊपर करके, तो क्या होगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया लेफ्ट में, तो आपका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके लेफ्ट नोस्ट्रिल खुल जाए, तो ऐसे करके लेट जाना, ठीक है ना। तो जिन लोगों का अभी लेफ्ट नोस्ट्रिल नहीं चल रहा है उनको इस तरह से करके 2 से 3 मिनट अगर आप लेफ्ट ऐसे करके लेट जाएंगे तो आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल खुल जाए, ठीक है ना। तो राइट नोस्ट्रिल क्यों चलता है, क्योंकि आपकी बॉडी हो सकता है गर्म है, तो राइट और लेफ्ट का तो आपको हम बताए थे कि लेफ्ट नोस्ट्रिल ईड़ा नाड़ी, पिंगला ईड़ा नाड़ी यानी ठंडी नाड़ी, चंद्र नाड़ी कहते हैं, जो चंद्रिका कपालभाति हम लोग करते हैं, और फिर सूर्य भेद कपालभाति करते हैं, फिर चंद्र भेदी प्राणायाम करते हैं, सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं। ये आपकी चंद्र नाड़ी आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है यानी ठंडी नाड़ी, जिसको गंगा नाड़ी, ईड़ा भागीरथी गंगा, और आपका राइट नॉस्ट्रिल सूर्य नाड़ी है यानी गर्भ नाड़ी है, और इसको हम लोग पिंगला यमुना नाड़ी भी कहते हैं। इसीलिए इसका श्लोक है, ईड़ा भागीरथी गंगा पिंगला यमुना नदी तेवर मध्य गता सुषुम्ना ख्या सरस्वती, उसके मध्य में सुषुम्ना नाड़ी, उसके मध्य में कौन सी नाड़ी, सुषुम्ना। तो सुषुम्ना नाड़ी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीनों मतलब एक साथ चलती है, तब इसको हम लोग सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, और मतलब दोनों नॉस्ट्रिल बराबर जब चलती है दोनों से सांस बराबर आती है, तो तेवर मध्य गता सुषुम्ना ख्या सरस्वती, उसके मध्य में सुषुम्ना है। प्रयागराजे जत रुचति, ये प्रयागराज है, थर्ड आई ऑफ कॉन्सियसनेस जो बोलते हैं ना, इसको हम प्रयागराज कहते हैं। प्रयाग का मतलब होता है मिलन, कन्फ्लुएंस, अलग अलग चक्रास जहां मिलते हैं उसको प्रयाग कहते हैं। इसीलिए आप जब चारों धाम की यात्रा करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग प्रयाग मिलेंगे, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, तो वो जो इलाहाबाद का प्रयाग है वो प्रयागराज है, वहां गंगा और यमुना मिल जाती है, तो ये सबसे बड़ी नदी हमारे ये में मानी गई, तो उसके अनुसार हमारी पूरी सभ्यता संस्कृति और हमारी साधना भेज चलती, ऋषि महर्षि इन्हीं नदियों के साथ मिलकर साधना की, और इन नदियों के साथ जितने भी हर्ब्स हैं वो उन नदियों के माध्यम से आए, तो इसीलिए यह जड़ी बूटी के साथ युक्त है, तो हमारे लिए यह हमारी सिविलाइजेशन को डेवलप करने में यह हमारे लिए यूजफुल हुआ, तो इसीलिए इस पर यह श्लोक बना दिया कि प्रयागराज जत रुचति, आप थर्ड आई ऑफ कॉन्सियसनेस में जब आप पहुंच गए तो सर्व पापा प्रमुच्यते, प्रमुच्यते मतलब मुक्ति, तो लोग क्या इसका मीनिंग बना दिए कि इलाहाबाद में जो प्रयाग है
यानी कि वहां डुबकी लगाने से आपका पाप होगा और कुंभ मेला वहां होने लगा। एक्चुअली कुंभ मेला आपका यहाँ होना चाहिए, आप चक्रास को मेडिटेशन करके और आसनास प्राणायाम मुद्रा बंद और सात्विक आहार और वो जो नवरात्र की जो पूरी जो नौ चक्र है वो उसको जागृत करना, वह यहाँ थर्ड आई जब खुलना होता है तब आपकी पूर्ति होती है, ये है उसका राइट। तो अब हम लोग उसके लिए जो आसनास कर हम लोग प्रैक्टिस किए थे चक्रास को खोलने वाली, चूंकि मैं देख रहा हूँ कि राजेश जी के साथ आप लोगों ने चक्रास को खोलने वाले बहुत सारे आसन सीखे हुए, तो व्हाई नॉट टू मेक इट सो प्रैक्टिकल कि लेट अस डू दैट मेडिटेशन इन विच वी आर एबल टू ओपन द चक्रास। एक ही हमारा निवेदन है आपसे कि आप लोग इसमें वेजिटेरियन खाना खाएं, क्योंकि जो लोग चक्रास बैलेंसिंग करना चाहते हैं वो लोग अगर सात्विक आहार नहीं लेंगे तो मणिपुर चक्र के ऊपर कुंडलिनी नहीं उठेगी और आपका पशु वृत्ति ही एक्टिवेट होगा। इसीलिए आप लोग अगर सात्विक आहार लेंगे तो आपका अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, विषुप चक्र और आगे चक्र खुलेगा, इसको हम लोग मानवीयता के चक्र कहते हैं ओके। और दैविक चक्र आपको विशुद्ध से आज्ञा चक्र तक डिविनिटी के चक्र एनिमैलिटी ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी के चक्र के डिविजन। इसीलिए आई रिक्वेस्ट दैट एवरीबॉडी शुड गो फॉर वेजिटेरियन फूड ओके। यदा कदा कभी कोई खा ले महीने में एक बार दो बार, लेकिन इट इज रिक्वेस्टेड टू गो फॉर वेजिटेरियन डाइट और उससे अल्कलाइन में, यानी कि अल्कलाइन का मतलब कि जो हम लोग बात कर रहे हैं कि चीनी की चीजें, मैदा की चीजें और तली भुनी चीजें, ये नहीं खाए, ये ध्यान रखते हुए हमने जो डाइट चार्ट एक बार डाला था उसको फिर से याद दिलाएगा, फिर से हम उसको रिवाइज। तो पहला आसन हम लोगों ने क्या सिखा था कल, जानू सिरासन, सब लोग ऐसे करके पैर को ऐसे एक्सटेंड कीजिए ओके। और ये ध्यान रखिए कि आपका ये जो नीचे जो टेस्टिस इन मेल और नीचे में माता बहनों का जो ज्वाइंट होता है वहां पे ये एडी लगना चाहिए ओके। और फिर उसके बाद इनहेल करके ऊपर और एक्सहेल एंड गो डाउन ओके। अब इसमें आपका टोज एंकल पकड़ लिए, अच्छी बात है, नहीं पकड़ पाए एंकल पकड़िए, घुटने का जाइए एंड कीप योर स्ट्रेच, यहाँ यहाँ एक्यूप्रेशर होना चाहिए और इसमें स्ट्रेच होना चाहिए, स्पाइन में, स्पाइन में स्ट्रेच होना चाहिए, तो यहाँ से आपको एनर्जी राइज करे ओके। और ये जो एनर्जी है यहाँ मूलाधार चक्र में चार पुरुषार्थ की एनर्जी, कुछ लोगों को ऐसे दोनों पकड़ने में दिक्कत हो तो वन कैन होल्ड लाइक दिस आल्सो ओके। दिस इज आल्सो ए वे ऑफ, ये ऐसे करके भी हम ऊपर से ऐसे हाथ करके भी कर सकते, ये भी जानू सिरासन का पार्ट। और इसको अगर आप ऐसे पकड़ लिए एक्सहेल एंड ट्राई टू टच, जिनका फ्लेक्सिबल है तो यू कैन टच योर नोज टू देम, एक्सहेल एंड होल्ड 8 सेकंड, इनहेल एंड आउट ओके। चलिए अब इसमें आप इधर ही चेंज कर सकते हैं, मैं दिखाने के लिए इधर से डायरेक्शन को चेंज ओके, इस तरह inhale, exhale, inhale, ओके। ये आपका जानू सिरासन हुआ, एक बार और करिए प्लीज everybody। देखिए एक कॉम्प्लिकेशन इसमें हम कल बताए थे, बैक एक हो तो बिल्कुल ना करें, हल्का बैक एक वाले इस तरह से इतना जा सकते हैं जिसमें आपका लंबा रुचिवरा बैंड ना हो, मतलब यहाँ एक्यूप्रेशर देके आप थोड़ा सा ऐसे खींच सकते जिसमें बिल्कुल लंबा रुचिवरा सीधा है, लेकिन बाकी लोग चूंकि लंबा रुचिवरा इसमें बैंड होना ही होना है ओके, तो इसीलिए आपको बैकेक हो तो नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिए। बाकी जिनको बैकेक नहीं है वो बिल्कुल बिंदास कीजिए, एक्सहेल एंड होल्ड, इनहेल एंड कम अप, जितना जा सकते हो उतना आराम से। ओके ये हमारा हो गया फर्स्ट चक्र का जो मूलाधार चक्र, ठीक है। अगला आसन हमारा स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र के लिए मैंने कल बताया था
ये गौमुखासन, गौमुखासन को करने के लिए आप ऐसे करके पैर एक्सटेंडेड है, हमने राइट पैर को बेंड करके लेफ्ट हिप के पास लाए, ओके। और फिर उसके बाद अगला ऊपर से पैर को लाके जितना आ सके, कोई अगर इतना ला पाता है इतना भी, जो जितना ला पा रहा है पूरा, अगर अगर आप मिला दिए पूरा दोनों एडी, मतलब ये हमारा अब लेफ्ट पैर जो है वो राइट हिप के पास आए, राइट हिप के बगल में, और इस तरह से करके आपका गो मुख नाम जो है इसका, कि दोनों मिल गया, दोनों घुटना तो गाय के मुंह की तरह ये मिल गया। तो आपकी जो ये टेस्टिस है मेल में और माता बहनों जो ओवरीज है तो उसके ऊपर पूरा एक्यूप्रेशर, ओके। तो ये इस तरह से करके इसका नाम गो मुख है। पीछे में देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूँ कि पैर आपका ऐसे एड़ी जो है दोनों, अगर आइडियल होता है तो दोनों एड़ी आपका इस तरह से हिप के दोनों बगल में आपकी एड़ियां बिल्कुल पैर मिली हुई है, ठीक है ना, इस तरह से हो रहा है। और आप हाथ देखिए कैसे हो रहा है, कि हमने कोई भी हाथ को जो आराम से जा सकता इसको ऐसे करके पकड़, ठीक है। अब किसी किसी का नहीं पकड़ाता है तो ऐसे करके रुमाल आप ले लीजिए और रुमाल को ऐसे करके ऐसे पकड़ लीजिए और उसको आप लपेटते जाइए, लपेटते जाइए, लपेट है ना, और ऐसे करके खींचिए रुमाल से, जिनका पहुंच जाए तो भाई अच्छी बात, ऐसे करके रुमाल से खींच सकते। इसके बाद भी दिक्कत होती है ऐसे करके ऐसे कर सकते, तो जो आपको अच्छा लगे वो आराम से, ओके। अच्छा, जनरली मतलब याद रखने के लिए आप चाहो तो जो हाथ ऊपर है, जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर कर सकते, लेकिन आपका ये जो पार्ट है ना ये बेंड नहीं होना चाहिए ऐसे, ऐसे ये ऐसे करके पकड़े हैं और बेंड हो गया, ऐसे नहीं, जितना आराम से पकड़ सकते हैं उतना आराम से, और नहीं तो बैलेंस करके ऐसे। तो और इसमें नॉर्मल ब्रीदिंग 30 सेकेंड्स गोमुखासन। अच्छा, एक और इसमें इंपॉर्टेंट, अंडरवेयर टाइट होनी चाहिए, इसीलिए हम लोग योगासन में एडवाइस देते हैं लंगोट पहनने के लिए पुरुषों, ठीक है ना, माता बहनों को टाइट अंडरगार्मेंट पहनने के लिए। तो इस ये हर आसन के लिए भी आपको लंगोट पहनना अच्छा है। अब हम लोग लेग चेंज किए, अब हमारा राइट पैर, अब हम लोग ऐसे पकड़ लिए, ठीक है, तो जो पैर ऊपर है हाथ ऊपर है, ये याद रखने के लिए। लेकिन जिन लोगों का बॉडी एक तरफ झुक रहा होता है ऐसे करने से, तो वो उनको करना चाहिए अपोजिट, यानी जो पैर ऊपर है उसका अपोजिट हाथ से पीछे से पकड़ना चाहिए, ये आपका अपना बैलेंसिंग इस तरह से कर लीजिए, ठीक है ना। तो इससे क्या फायदा है गोमुखासन से, गोमुखासन आपका जो लोअर चक्रास है उससे एनर्जी राइज करा रहा है, क्योंकि आपका जो एक्यूप्रेशर हो रहा है टेस्टिस में ओवरीज में, तो उस एक्यूप्रेशर से एनर्जी ऊपर उठता है, तो जब आप ऐसे उसमें दबाव पड़ रहे हैं ना, तो जब आप ऐसे खींचते हैं तो स्पाइन से एनर्जी ऊपर उठता है, इस तरह से करके। कभी भी मान लीजिए आपका मन नहीं लग रहा है, आप ऐसे करके बैठ भी जाइए ना ऐसे करके, तो आपका मन लग रहा है, क्योंकि एनर्जी वहां से चैनलाइज हो जाती है वहां पे एक्यूप्रेशर, क्योंकि देखिए सीट ऑफ द एनर्जी इज, ओशो को अगर आप सुनेंगे पड़ेंगे, is at the sexual organ, okay। इसको सिगमंड फ्राइड ने भी बोला, ईडी को सुपर ईगो के नाम, लेकिन हम लोगों ने योग में जो बायोसाइकोलॉजी है उसको हम लोगों ने अध्यात्म से कम किया, वहां पर हम लोगों ने ईगो को ऊपर उठा के चैनलाइज करके, और हम लोगों ने कहा आंतरिक शक्ति जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उससे उसको कम करें, जो आपके पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड से कर, जो हायर कॉन्सियसनेस के साथ जुड़ा हुआ है, ब्रह्म भाव की जो बात, राइट, ओके। तो आज हम लोग ब्रह्म भाव मेडिटेशन आज हम लोग स्टार्टिंग में नहीं किए, we started with संप्रक्षालन, तो we will end with that, ओके। अगला आसन हम लोगों का जो हम लोग कॉमन करते आए हैं वह है योग मुद्रा। तो आराम से ऐसे सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जिसमें भी आप आराम से बैठ सकते, पालथी मार के भी बैठे हैं ऐसे करके तब भी चले, स्थिर सुखम आसन, आसन वह हो जो स्थिर और सुख, यानी अस्थिर और दुखी ना, ओके। इस तरह से ऐसे आप लोग बैठ के आराम से, और राइट हैंड से लेफ्ट हिस्ट पकड़, सांस भर लिए, सांस छोड़ते हुए हम लीवर को एक्सप्रेशन लिए राइट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, इनहेल एंड कम, ओके।
कीजिए रोशन जी, एक्सहेल लेफ्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 नेल है ना, ओके 8 सेकंड पर ध्यान दीजिए, हाँ, और जितना जा सकते हैं उतना करिए, ओके चलिए कीजिए, हाँ एवरीबॉडी अप फ्रंट, एक्सहेल एंड गो डाउन 1 2 3 4 5 6 7 8 बैकेंड वाले इसमें हम बता चुके हैं कि बैकेंड वाले आप ध्यान रखना कि आपका नीचे जब झुकते हैं तो लंबा वर्टिब्रा बेंड नहीं होना चाहिए। अब पीछे हाथ रखिए, इनहेल एंड स्ट्रेच 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके चलिए, हाँ फिर से इनहेल एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 इनहेल, तो आपका देखिए लीवर का एक्यूप्रेशर हो गया, और जिन लोगों को पद्मासन आराम से लग जाता है तो पद्मासन लगा ले, तो गैस एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन माता बहनों की मासिक की तकलीफ ये सब दूर होता है, इसीलिए इसका नाम सर्व रोग हरा है। और आपका मणिपुर चक्र स्वाधिष्ठान चक्र से लेकर मणिपुर चक्र तक एक्टिवेट हो जाता है, इसको डिसमिस कर दे, देखो एक्सहेल 1 2 3 4 5 6 7 इन्हेल, इन्हेल करके ऊपर फिर पीछे हाथ, इन्हेल 1 2 3 4 5 6 7 8 रिलैक्स, ये आपका क्या हुआ यहाँ तक के चक्र का हो। अब इसके बाद जो चक्र है वो मणिपुर चक्र, हम लोग अभी तक स्वाधिष्ठान चक्र अनेवल पॉइंट तक भी पहुंचे हैं, ठीक है। अब आपका मणिपुर चक्र के लिए हम लोग आसन जो कर रहे हैं बहुत कॉमन आसन हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, वो है इस तरह से मंडूकासन, ओके आपका एक्यूप्रेशर देना नेवल मंडूकासन में, राइट हैंड नीचे रखे लेफ्ट हैंड ऊपर रखे, सांस पूरी तरह बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींच के और होल्ड करके आगे झुके, देखिए सांस लीजिए छोड़िए पेट अंदर और एक्सहेल करके 8 सेकंड 5 6 7 8 अब आपको देखिए इसमें हमने राइट हैंड नीचे रखा तो लीवर का प्रेशर होगा, ओके लेफ्ट हैंड नीचे रखेंगे पैंक्रियास का प्रेशर होगा, संघ प्रक्षालन के दौरान भी आप मंडूकासन कर सकते, तो उस समय भी आपको इंटेस्टाइन ऊपर से नीचे दबेगा, ओके राइट। फिर उसके बाद आपका मुट्ठी बांध करके अंगूठा को अंदर करके और ऐसे बेस ऑफ द थंब, ठीक है ना, ये देखिए ऐसे बेस ऑफ द थंब को यहां लगा के, सबको क्लियर है नाभि पर, अब पूरी तरह सांस बाहर छोड़ करके यानी हम पूरा सांस बाहर छोड़े पेट को अंदर खींचे, देखिए जो उड्डयन में करते हैं हम लोग, पेट को अंदर खींच लिया सांस बाहर है, सांस रुका हुआ है, मैं बोल रहा हूं इसीलिए मेरा सांस टूट गया है, लेकिन आपको बोलना नहीं है पीछे, 8 सेकंड के बाद सांस भर गुड, ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट 5 सेकंड से ज्यादा ना रहो, वो बीच में सांस तोड़ सकते हैं, फिर उसको आप धीरे 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 करके रिलीज, ओके इस तरह से एक बार और कीजिए, सांस लीजिए छोड़िए, हाँ एक और बात, जिनको जोड़ों का दर्द है वो लोग नीचे कुशन लगा लीजिए, ओके और आराम से कोशिश कीजिए जैसे आराम से बैठ सकते, फिर से कीजिए इनहेल एक्सहेल पेट अंदर, योगिष्ठा इनहेल अप, योगिष्ठा बेटा इधर, ठीक है ये इनहेल
एक्सहेल एक बार इनहेल एक्सहेल ओके इस तरह से आपका ये हो गया मंडूकास। ओके अभी देखिए इसमें जो मैं हमेशा बताता हूँ एडवांस है एडवांस लेवल पे वो ये मयूरासन जिस दिन आपका अभ्यास हो जाए तो मयूरासन अभ्यास होने के बाद जब तक ये बहुत अच्छा आसन है और जिन लोगों को मंडूकासन में भी तकलीफ होती है ना वो इस तरह से ऐसे टोस को अंदर करके और ऐसे करके ये वाला आसन भी कर सभी लोग एक बार ये वाला करिए ऐसे बैठिए सभी लोग ऐसे करके टोस को अंदर करके एड़ी पर बैठिए एवरीबॉडी प्लीज है ना ये वाला आसन आसान है हाथ को नीचे रखिए सांस पूरा भरिए सांस छोड़ते हुए आगे आगे झुकिए पूरा हाथ स्ट्रेच कीजिए इसको प्रथम आसन सस्कासन या इसको बालासन का भी पाठ है ये ठीक है इसको हम लोग दीर्घ नमन दीर्घ प्रणाम से ठीक है फिर उसका इनहेल करके ओके और इसी में हम लोग अपना अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं यहां से ऐसे करके सहज उच्चारण और उच्चारण इस पर ऐसे पीछे हाथ लगा लीजिए ठीक है देखिए सब लोग ये ध्यान रखिए हमारा टोज किस तरह है ये थोड़ा देखिए पीछे से हमारे टोज जो है टोज पर हम बैठे वज्रासन नहीं है ये ओके और फिर ऐसे तो क्या हो रहा है फिर से देखिए पीछे में आपका हाथ लगे इनहेल और आप चाहो तो थोड़ा कमर उठा दो रिलैक्स ओके ये आपका उच्चासन हो जाएगा मान लो जिन लोगों को एक दोनों नहीं पैर हाथ लग रहा है वो ऐसे करिए इनहेल एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे एक्सहेल डाउन फिर दूसरा हाथ से इनहेल अप एक्सहेल डाउन ठीक है ना ये सहज उच्चासन का अच्छा अभी हमारा इसी में हम लोग एड ऑन कर देते हैं सिटिंग आसनास में वो है हमारा अभी हम लोग कहां तक पहुंच गए अनाहत चक्र पे और विशुद्ध चक्र ये अलग अलग आसनास हैं आपके चक्रास को खोलने वाले जिसमें आपका हार्ट लंग्स भी एक्टिवेट हो रहा है थायराइड भी एक्टिवेट हो रहा है ओके और चक्रास भी बैलेंस हो गए अब आप टॉप ऑफ द हेड का कौन सा आसन है आसानी से करने वाला वो है शशांक आसन देखिए इसी टोस में आप रखते हुए हाथ को आगे रखिए एक्सहेल करके टॉप ऑफ द हेड लंब तालु को जमीन पे लगाइए ओके और पीछे में ऐसे करके हाथ ऐसे करके पकड़िए पीछे एड़ी पकड़ लिए तो अच्छी बात है नहीं तो आप एंकल पकड़ लीजिए लेकिन टॉप ऑफ द हेड को जरूर जमीन पे ओके अंदर फोरहेड को नहीं टॉप ऑफ द हेड फोरहेड वाला इसके पहले हम कर चुके वो फोरहेड से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होगा इससे आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगा अब धीरे धीरे आप हाथ का सपोर्ट लेके भी उठ सकते हैं स्वामी जी इसमें से पैर ऊपर उठ जाता है सर लगाने में कमर पूरा उठाना देखिए इसमें इसमें और इसके पहले आसन में डिफरेंस ये है हिप को पूरा उठाना ओके सभी लोग एक बार कीजिए जरा मैं देख रहा हूँ जरा एवरीबॉडी इनहेल एक्सहेल डाउन कमर उठाइए पूरा ओके कर्नल रामानंद जी थोड़ा आप इधर घूम के करिए ताकि आपका हाँ जी रमन हाँ सब लोग ऐसे घूम जाइए ताकि हाँ वेरी गुड चलिए बहुत बढ़िया हो रहा है सबका कमर को उठाना है ओके राइट उठते समय आप थोड़ा सा ऐसे करके इससे क्या दिस आसन इज वेरी गुड फॉर ब्रेन कॉन्सेंट्रेट बच्चों को जरूर सिखाइए आप लोग जो बच्चे जितने भी पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज आईएएस आईआईटी कोई भी पढ़ रहे हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी पेशेंस बढ़ेगा मेमोरी पावर बढ़ेगा ओके इंटेलिजेंस बढ़ेगा और हम लोग सबके लिए यूज ओके एक बार और करें एक्सहेल डाउन पीछे हाथ रखिए
इससे ब्लड का फ्लो 8 सेकंड होल्ड करने के बाद सांस लेके उठे, ब्लड प्रेशर हार्ट के पेशेंट इसको अवॉइड करें, है ना। हल्का बीपी है तो कोई बात नहीं, ये तो ऐसे आप वैसे बिना सांस रोके कर सकते बीपी वाला, ठीक है। ये चीज मतलब जो शीर्षासन है ना, शीर्षासन का एक मैं आप शीर्षासन में जो करते हैं ना, शीर्षासन का जितना बेनिफिट है ना, शीर्षासन का जितना बेनिफिट है वो ऐसे मिलता है। तो शीर्षासन के इसका बेनिफिट उपादान शीर्षासन, ये शीर्षासन का जो बेनिफिट है ना, तो ये शीर्षासन सब लोगों को करना नहीं, तो इसका सेम बेनिफिट आपका शशांक आसन में आ जाता, ठीक है ना। इसीलिए हम लोगों को सिंपल ये वाला एक्सेल करके इतना बेनिफिट हम लोग को आराम से मिल जाता है। शीर्षासन करने के बाद क्या होता है कि बैलेंसिंग लाइफ नहीं है। मैं खुद शीर्षासन नहीं करता हूँ क्योंकि खाना पीना सोना उठना चलना फिरना ये सब योगिक जिंदगी में बैलेंस हो तभी जाकर शीर्षासन करना चाहिए। नहीं तो शीर्षासन में ब्लड फ्लो इतनी ज्यादा आती है कि अगर आपका लाइफस्टाइल बैलेंस नहीं हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। चलिए अभी हम लोग अगला लाइंग डाउन आसनस जो डेली कर रहे हो एक बार पूरा करें। 1 मिनट चलिए अभी सबसे पहले जो हमारा है सुप्त तारासन, इनहेल करके पूरा स्ट्रेच किया, ओके। पवन मुक्तासन, सुबह उठने की क्रिया में एक बार अभ्यास कर ले, सुबह उठने की क्रिया सुबह हम लोगों को सांस खींचते हुए ऐसे उठना है और छोड़ना है, सॉरी सांस पर ध्यान नहीं देना, जैसे भी हो ऐसे बेंड करना है और स्ट्रेच करना। आप चाहो तो थोड़ा सर उठा सकते हो, ठीक है। तो सांस सुबह में आपको ये ब्रीदिंग पर ध्यान नहीं देना, ओके। अब बाकी टाइम में आप इसी आसन को जो करते हैं तो देखिए लीवर एक्टिवेट हो रहा है और मणिपुर चक्र भी एक्टिवेट, एक्सेल कंप्लीटली नोस्पोनिंग से टच कर दिया तो आपका लीवर का जो प्रेशर हो गया, गैस एसिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन, सर्वाइकल पेन हो तो नहीं उठाना, ये हम लोग रोज कर रहे हैं। इनहेल पीछे फिर एक्सेल करके दूसरा, ये आपका लेफ्ट, फिर इनहेल करके सीधा, फिर एक्सेल करके दूसरा, दोनों और होल्ड द ब्रेथ 1 2 3 4 5 6 7 इनहेल करके सीधा, ओके एंड रिलैक्स आराम से। फिर से इनहेल सभी लोग कीजिए, एक्सेल बेंड, इनहेल एक्सेल यू स्टार्ट, इनहेल सीधा, एक्सेल दोनों पैर, इनहेल सीधा एंड रिलैक्स। मरकट आसन ये सब एड ऑन है, ये हमारा आगे के आसन जो करते हैं ना चक्रासन वाली जैसे सर्वांगासन तो उसके साथ ही जोड़ने के लिए, ओके। फिर ऐसे एड़ी पंजा मिला के तो 4 तरीके से हम लोग मरकट आसन कर रहे हैं। तो मरकट आसन में भी आपका स्ट्रेचिंग हो रहा है। अभी देखिए मैं आपको कर्ण रामायण जी ये बताऊंगा कि गला तक हमको सूखना शुरू हो गया, यानी पानी की इतनी डिमांड हो गया, जब आपका पानी नीचे चला जाएगा तो आपको प्यास लगेगा, प्यास लगेगा तो गला तक सूखेगा, तब आपको आसन करते करते कुछ काम करते करते आप अपने आप पानी पिए, तो इसीलिए पानी नीचे ये होगा। दूसरे पार्ट में मरकट आसन योगिष्ठा इसको नीचे कर सकते,
चलिए ये दो पार्ट हो गया। तीसरा में आप एक पैर को ये सीधा करते हैं, दूसरा पैर को आप घुटने पर रखते हैं और ऐसे करते हैं। एक जमीन पर लग जाए तो अच्छी बात। इसमें ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा स्वामी जी? क्या बोल रहे हैं? ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगा? नॉर्मल, पूरे वर्कआउट आसन में नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग। ओके, ये तीन तरीके से हुआ। चौथा तरीका कि आप इसको ऐसे पकड़िए घुटने को और ऐसे करके ऐसे खींचिए और कोशिश कीजिए कि आपका नी सीधा हो जाए और दूसरा नी भी सीधा रहे और फिर इधर दे पीछे। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है ना? और होल्डिंग टाइम 10 सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग उसी तरह। ये इधर से मैं ऐसे दिखा रहा हूं घूम के। देखिए सबको दिख रहा है, दोनों घुटना टाइट है, क्लियर? ये इससे क्या होगा, पूरा जितना जो स्पाइन है ना कि स्लिप डिस्क साइटिका वाले उनको स्ट्रेचिंग होता है। सिर्फ जितना कर पाते उतना ही आराम से। इस सेतु बंद आसन में भी आपका थायराइड का हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको लोअर एब्डोमेन एड़ी एड़ी पकड़ लेंगे तब भी अच्छी बात, नहीं पकड़ पाते बगल में रख और इसको उठाते हैं। लोअर एब्डोमेन, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, मासिक की तकलीफ माता बहनों में और लोअर बैक पेन, सबको आराम देता है। इनहेल करके उठ गया, एक्सहेल करके नीचे। और हार्ट और लंग्स और थायराइड, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल। 8 सेकेंड होल्ड किया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exhale। इस तरह से आप छोटे छोटे आसन भी जो हैं, जो हम लोग ये कर रहे हैं, अगर हमें पता रहे कि कौन सा चक्रा कौन सा ग्लैंड एक्टिवेट हो रहा है तो आपको वो आपको डबल बेनिफिट होता है। ओके राइट। अब अंत में आपको दो आसन जो है वो करना है। ओके, टाइम हमारा हो गया है, फिर भी लास्ट हम करते हैं भुजंगासन। एक बार जरा पैर को फैला के हल्का सा और नॉर्मल हम लोग जो पहला वाला स्टेज है ये इनहेल करके ओके फिर एक्सहेल एंड रिलैक्स रिलैक्स ऐसे करिए। अगला इस तरह से चेस्ट के बराबर इनहेल पूरा भी उठा सकते हैं, एक्सहेल डाउन। तो भुजंगासन में भी आपका अनाहत चक्र और अविशुद्ध चक्र एक्टिवेट होता है। एक बार और करेंगे सभी, इनहेल, एड़ी पंजा मिला रही तो बहुत अच्छी बात है, ये आइडियल है और ये थोड़ा सा इजी है, पूरा शोल्डर तक उठाना जो आसान है। ओके, इसमें देखिए अभय जी हाथ आपका बहुत दूर चला गया, हाथ को शोल्डर के बराबर रखेंगे तो आपका ये 90 डिग्री हो करीब करीब, ये देख रहे हैं 90 थोड़ा सा ज्यादा आपका, अगर दूर जाएगा तो हाथ ऐसे हो जाएगा तो आपका हाँ ये ठीक ये बात अच्छा हो रहा है। एक्सहेल डाउन रिलैक्स। चलिए अभी हमारे साथ घनश्याम जी हैं लेकिन वीडियो ऑफ है, देखते हैं जरा लास्ट हम लोग आए सर्वांगासन लास्ट आसन अभी भी किस तरह से कितने लोग कर रहा। इसको हम लोगों ने पहले नी को बेंड किया,
लंबा गहरा सांस ले लिया, रिलैक्स कर लिया। अब हम लोग वापस यहाँ लाए, ओके, यहाँ जैसे पावन मुक्तासन की तरह मुड़ते हैं और धीरे धीरे इसको पीछे ले। और जब हमारा कमर थोड़ा उठ गया तो हम इसको सपोर्ट दी, ओके, अब धीरे धीरे सपोर्ट दे, पीछे ले जा रहे हैं, लासन हो गया, सपोर्ट देके हो गया। इसी सपोर्ट में हम धीरे 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 उठाने की कोशिश, ये जो लेवल है इतना, ये विपरीत करनी, विपरीत करनी मतलब आप ऐसे करके कमर को हल्का उठा के रख सकते हैं और ऐसे बैंड रख सकते हैं। धीरे धीरे अगर आप सपोर्ट दिए अपने कमर को और पूरा सीधा कर दिए तो अच्छी बात है। अपने टोज को ध्यान दें, कैमरा में मेरा टोज नहीं दिख रहा लेकिन वो है, उस पर ध्यान देना, सीधा। और इसके बाद आपका ऊपर में ही अगर आप पद्मासन लगा पाते हैं, जो लोग का पद्मासन इजी है, पद्मासन लगा लो, ओके। और जिनका पद्मासन नहीं होता वो लोग आराम से बेंड करके, ऐसे कमर को बेंड करके धीरे 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 इसका सपोर्ट ले, हिप को सपोर्ट देके धीरे धीरे नीचे, धीरे धीरे नीचे, ओके। और नीचे आने के बाद पैर को, जिनका पद्मासन लगता है, पहले तो मतलब नीचे आने के बाद इस तरह से फिर से पैर को बिल्कुल ढीला छोड़ के और रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स करके दो आधा मिनट पैर से सर तक सांस लीजिए शवासन, और सर से पैर तक सांस छोड़िए, फिर उसके बाद ऐसे करके लग रही और ये जैसे हिप को पकड़, सॉरी थाइस को पकड़ के और आप एल्बो का साधन लीजिए, हंसी मार के पद्मासन लगा के जैसे भी कर सकते, आप पद्मासन नहीं भी लगाए ऐसे भी पलसी मार के मोड़ लीजिए और थाई को पकड़िए और ऐसे उठाइए और टॉप ऑफ द हेड को टच कीजिए, तो आपका पिनियल ग्लैंड, टॉप ऑफ द हेड, क्राउन चक्र, विशुद्ध सहस्रार चक्र और विशुद्ध चक्र, थायरॉइड ग्लैंड, दोनों एक्टिवेट हो रहा है। एक बार आपका एक्यूप्रेशर दबता है, एक बार खिंचाता है, पद्मासन लगाने की बहुत अच्छा ऊपर पकड़ के, ये आइडियल है। रिलैक्स, आराम से रिलैक्स, ओके, लंबा गहरा सांस, पूरी तरह रिलैक्स कीजिए, ओके। सर्वांगासन अभ्यास फिर हम लोग बाद में करेंगे, कल हम लोग एक बार और अभ्यास कर लेंगे इसका। कल के टॉपिक हमारे इंडायरेक्शन है, जिसमें सर्वांगासन तो टॉपिक में नहीं आता लेकिन हम लोग प्रैक्टिस के लिए एक बार करें। सभी लोग शवासन कर लें, टाइम हो गया, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, इमेजिन यू आर लाइंग अलोन अंडर द ओपन स्काई, खुले आसमान के नीचे लेटे हैं, हरे भरे गांव, सॉरी हरे भरे घास, रंग बिरंगे फूल, पहाड़ों की वादियां, उगते हुए सूरज की लालिमा के पंचमहाभूत वातावरण में आप शांत और शिथिल लेटे, पैर की उंगलियों से एड़ियों तक रिलैक्स कर रहे, एड़ियों से घुटनों तक रिलैक्स कर रहे, घुटनों से थाइस को रिलैक्स कीजिए, शांत और शिथिल कीजिए, थाइस से वेस्ट कमर को रिलैक्स कीजिए,
कमर से छाती को रिलैक्स कीजिए, हार्ट और लंग्स को रिलैक्स कीजिए, नेक और शोल्डर को रिलैक्स कीजिए, आर्म्स एल्बोज रिस्ट और फिंगर्स को रिलैक्स। चेहरे को रिलैक्स कीजिए, चिन, लिप्स, चीक्स, नोज, आईज, आईब्रोज, फॉरहेड एंड द ब्रेन शांत और शिथिल हो चुका है। आपका संपूर्ण शरीर शांत और शिथिल हो चुका है, आप इसे हिला नहीं सकते। आप यानी आपके आत्मा आपके शरीर को खुले आसमान में तैरते हुए देख, धीरे धीरे आपका शरीर अनंत समुद्र में, अनंत सागर में तैर रहा है। दूर दूर तक समुद्र की लहरों के बीच आपका शरीर एक शव की भांति, आप देखिए अपने शरीर, कोई दूसरी शरीर ना देखें, आप ही अपने शरीर को ही समुद्र के ऊपर तैरते हुए देखिए। धीरे धीरे सांस लेते और छोड़ते, दूर दूर तक अनंत सागर है। धीरे धीरे आपकी शरीर क्षितिज पर आती है और क्षितिज से उगते सूरज के प्रकाश से अब सूर्य के प्रकाश आपके ऊपर आ रही है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सूर्य प्रकाश और पृथ्वी पर हरे भरे घास, पहाड़ों की वादियां सूर्य के प्रकाश और अनंत ऊर्जा शक्ति आपके अंदर है। इस ऊर्जा शक्ति से आप धीरे धीरे आंखें खोलते हैं, खुली आंखों से आप अपने शरीर को देखते हैं, मन की आंखों और खुली आंखों से दोनों से। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। मुट्ठी बंद करते हैं और खोलते हैं, हाथों को हिलाइए करते हुए, ऊर्जा आपका दान कीजिए। तालासन करते हुए इन्हें स्ट्रेच करिए, कमर के बगल में हाथ वापस ठीक है करके पैर को मोड़िए, बाएं फॉरवर्ड कीजिए, आगे हाथ लेके उधर बैठ जाइए। विश्राम ओंकार करके समाप्त करेंगे, प्राणायाम हम लोग करेंगे, क्रम भाव साधना करेंगे। श्वास भरिए ज्ञान मुद्रा में, श्वास भरिए। पैर से सर तक आप चाहें तो योग निद्रा की भांति
अपने शरीर के एक अंगों को मंत्र मंत्र चैतन्य से जागृत कर सकते। ब्रह्म का नाम का अर्थ है ब्रह्म यानी यूनिवर्स, अहम ब्रह्मास्मि, मैं और यूनिवर्स एक, मैं और ब्रह्म एक, सर्वम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म, यही इस श्लोक का मतलब है जो भगवद गीता के में आया हुआ है। धीरे धीरे आंखें खोलकर संसार को एज इट इज देखते हुए ब्रह्म का भाव है। प्रार्थना करेंगे। नित्यं शुद्धं निराभाषं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गुरुर्ब्रह्मा नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना कश्चित् दुःख मा पुण्यात् सभी सुखी हों रोग मुक्त हों हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति। नमस्कार। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मन में लाकर आत्मा को दे सकता। तो ये पिछले बार हम लोग अमावस्या के एक सप्ताह आगे ही हम लोग ये किए थे, संघ प्रक्षालन किए थे, इसलिए फिर से वो समय आ गया है। इस वीकेंड में हम लोग संडे को हम लोग सैटरडे को हम लोग टारगेट देते हैं कि जो अमावस्या फास्टिंग के बाद हम लोग ये करेंगे, राइट। तो एवरीबॉडी सबको राजेश जी ये कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है ना। तो अच्छा रहेगा। ओके चलिए, सबको धन्यवाद, ताली बजाते हैं। नमस्कार। दुनिया के सबसे सुखी प्राणी हम ही लोग हैं ऐसा सोचते हैं। सैनी स्कूल चिलियंस आर द मोस्ट हैप्पी पीपल इन द यूनिवर्स। यस वी आर। दैट्स द ग्रेट, दैट शुड बी द स्पिरिट। अग्रे सरस सर्वदा, फॉरवर्ड एवर। योर ब्लेसिंग्स सर। बिल्कुल, आगे बढ़ते जाना मुसाफिर, आगे बढ़ते जाना। हैव अ गुड डे स्वामी जी, शुभ दिन हो। हेलो, नमस्कार, थैंक यू गुरुजी।